हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट, जो हैदराबाद की अभी एकदम ट्रेंडिंग और वायरल मार्केट बन चुका है। लास्ट टाइम हम लोग जाने की कोशिश किया था, जो हुआ नहीं। आज हम लोग जाएंगे और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा लुलु मॉल की, जहाँ पे जनरली लोग दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा है, लोग जाके चोरी कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मुझे देखना था कि प्राइसिंग कैसा है, फ्रेश है कि नहीं। ज़्यादातर मुझे प्राइस हिसाब से देखना था कि नॉर्मल मॉल से ज़्यादा है कम है। जो लोग हैदराबाद में देख हो वो लोग तो ये वीडियो ज़रूर चेक करना, और जो लोग नहीं भी रहते हो वो लोग भी देखना कि कितना बड़ा एक हाइपर मार्केट इधर खुला है। आपके सिटी में भी कभी भी खुल सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लुलु मॉल हैदराबाद की अभी सबसे वायरल वाला हाइपर मार्केट है। सभी लोग एक साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैम हो रहे हैं। स्पेशली करके सैटरडे संडे हम लोग कोशिश किया था, इतना जैम था, इतना लोग एक साथ चले गए थे उस दिन। सो हमारी गाड़ी का हो गया था छोटा सा एक्सीडेंट, दैट्स वाई कार हमारा जो है ना वो सर्विस सेंटर में है। सो इसीलिए हम लोग फर्स्ट जा रहे थे सर्विस सेंटर नेक्सा, जहाँ पे था हमारा बेलू। इधर पे उसका डेंट हो गया था, जो उन लोगों ने अच्छे से रिपेयर कर दिया है। सो अभी जाते जाते ना एक्चुअली हम लोगों को रात भी हो गया था, क्योंकि अनिर्बान का ऑफिस ख़त्म होगा उसके बाद ही हम लोग निकले थे। तो ये है देखो लुलु मॉल, जो देख के उतना बड़ा नहीं लग रहा है पर अंदर बहुत बड़ा है। गाइस मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये देखो ये डिवाइडर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, लुलु मॉल के बहुत पहले से ये डिवाइडर स्टार्ट होता है। तो मेक श्योर आप जब JNTU से यू टर्न ले रहे हो एकदम लेफ्ट साइड से ही चलो, अदरवाइज आप लुलु मॉल नहीं जा सकते हो। हम लोगों को और आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा, क्योंकि ये डिवाइडर हमने देखो इधर से स्टार्ट हो रहा है फॉलो नहीं किया था, और हमको फिर से ओवरब्रिज में चढ़ना पड़ा, फिर से यू टर्न लेके JNTU का ख़तरनाक जैम फेस करके फिर आना पड़ा। पहुँच गए लुलु मॉल, पर इधर का पार्किंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा बाइक था, एक ही जगह पे बाइक कार सब लोग पार्क कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे एंट्रेंस पे। एंट्रेंस करते ही आपको राइट साइड पे बैग वगैरह ये सब चेकिंग होता है, ट्रॉली रहता है जैसे नॉर्मल शॉपिंग मॉल में रहता है वैसे ही सेम। उसके बाद बहुत वैरायटी था, तो फर्स्ट हम लोग गए थे फ्रेश में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब चीज़, दूध, दही, चिकन, खाने की चीज़ें, सलाद वगैरह, जो सब चीज़ें हमें फ्रेश चाहिए होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इसका काउंटर इधर था। प्राइस वाइज ओके मैं बोलूँगी बहुत कम प्राइस है, ऐसा नहीं था। सो बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ों की बहुत वैरायटी था। आप देख सकते हो मेरे राइट साइड पे एप्पल की सारे वैरायटी था, कम से कम 7-8 टाइप ऑफ। उसके बाद आगे जाके ऑरेंज का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर पे लिखा रहता है कि कौन सा वाला सब्ज़ी फ्रूट्स कहाँ से आया है। ग्रीन्स भी बहुत था, लीफी वेजिटेबल्स बहुत था, वह थोड़ा सूखा सूखा लगा मुझे। बनाना लीव्स दिखा मुझे, और ये देखो दिस इज़ कॉल्ड मोचा, पत्ता गोभी, आँख, ये तो नॉर्मल शॉपिंग मॉल में ओवरऑल मिल ही जाता है, पर इधर पे जो ना ह्यूज क्वांटिटी में भी था। और ऑलमोस्ट मैं सभी की प्राइस आप अगर पॉज करके देखोगे तो मैंने कोशिश किया दिखाने का, टिंडा से लेके बहुत सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल थे। और हाँ ये देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे ये पैशन फ्रूट है, मैंने नाम सुना था, पहली बार देख रही हूँ। वो तरह तरह की आलू थे, ये कैसा आलू था, तो ये देखो ये एक अजीब मतलब फ्रूट्स था, ये मैंने स्पार में देखा था, पर इधर पे देखो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में था। बैंगन देखो गाइज, आप मिनिमम आपको 10 टाइप्स ऑफ बैंगन इधर पर मिल जाएगा। उसके बाद डेट्स था, डेट्स इतना ज़्यादा भीड़ है ना गाइज, आप प्रॉपरली देख भी नहीं पाते हो सभी चीज़ें। और डेट्स थोड़ा सा ओपन था, मुझे लगता है वो बॉक्स में अंदर रहना चाहिए था। और देखो ये चिलीज़ का कितने सारे ऑप्शन, बंगाली वो गोल वाला जो चिलीज होता ना वो भी इधर पे मैंने दिखा। और कैप्सिकम देखो आप, ये चिली है या कैप्सिकम, और इसका कलर देखो कितना अजीब है ना, ये येलो वाला, ये एक रेड रेड वाला एक था। इसका प्राइस कुछ 200-300 ऐसा होगा। और रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत फ्रेश क्वालिटी की चीज़ें इधर पे था। ये चीज़ तो है फ्रेश के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल शॉपिंग मॉल से। और इधर देखो गाइज, इधर पे ना मेयोनीज था, कितने टाइप ऑफ, मिंट मेयोनीज, नॉर्मल मेयोनीज, अचार, ये सब फ्रेश ये लोग बना रहे हैं। और आप 100 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे हिसाब से इसको खरीद सकते हो, पर केजी के हिसाब से ये लोग सेल कर रहे हैं। मसाला अचार की मतलब भरपूर था। चीज़ देखो गाइस, कितना
इतनी वैरायटी में था, रेड कलर का वो तो मुझे चीज़ दिखा ही नहीं, मुझे लगा कि वो कोई बॉल है। फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी इतनी सारी वैरायटी। और इन लोगों का इन हाउस भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे ये देखो ये चीज़ ब्लॉक था जो मैंने पहले ही ले लिया था। मैं शॉपिंग क्या करूँ इधर उधर देख ही रही थी। और ये देखो ये चिकन का सेक्शन अलग था, इसमें फ़िश कटलेट था, चिकन कटलेट था, चिकन समोसा था, और भी बहुत सारे जो हमने सभी एक एक ले कर ट्राई किया था पर उधर पर खा नहीं पाए बाहर आके। और ये देखो ये सलाद की काउंटर है, इधर पे आप आपका ओन सलाद मिक्स बना सकते हो और पर केजी के हिसाब से उसका प्राइस करा सकते हो। इसमें भी बहुत सारा सलाद ऑप्शंस था पर यू नो गाइस, हमको सलाद लेना है तो चिकन का ही लेना पड़ेगा। मैंने बोला था पनीर सलाद लेते हैं, अनिल ने बोला नहीं नहीं बाजू में चिकन भी तो है, चिकन ले लो चिकन ले लो, तो हमने चिकन वाला सलाद ही लिया था। इधर पे बहुत सारे पिज़्ज़ा पास्ता ये सब सॉस भी जो है ना आप पर केजी के हिसाब से बिलिंग करा सकते हो। इधर पे देखो आप देख सकते हो ऑलिव्स है, जैम्स है, बहुत तरह तरह की यूनिक गुआवा ये सब जैम जो नॉर्मल मॉल्स में थोड़ा सा अनकॉमन है वो इधर पे आपको मिल जाएगा, ये तो मतलब है। और ये जो पूरा मैं दिखा रही हूँ ना ये एक ही फ्लोर का है। इधर पे चाट सेक्शन है, चाहे आप स्नैक्स हो चाहे आप स्वीट हो डिनर हो अभी सभी इधर से ले सकते हो। ये देखो एक हॉट डॉग था जो 100 रुपीज़ का था, इसमें से भी बहुत सारे लोगों ने खा खा के फेंक दिया था, मतलब बहुत ख़राब लग रहा था देख के ऐसे लोग क्यों हैं। और काफ़ी कम प्राइस में था, देखो ये इसका प्राइस ओनली 50 रुपीज़। तो देखो पिज़्ज़ा है जो आप लेके आ सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो और माइक्रोवेव में इसको गर्म करके एज अ पिज़्ज़ा खा सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी थी चीज़ें। बिरयानी का देख के तो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा था, अच्छा था और पर केजी के हिसाब से था, प्राइस भी बहुत रिजनेबल था। पर हम लोगों ने लिया नहीं और ऐसे कटोरी में आप जितना बोलोगे उतना वो लोग कटोरी में लेके आपको दे गया। चाउमीन था, मतलब चाइनीज़ का भी भरपूर ऑप्शंस था आपके पास। और इधर पे ना मैंने नोटिस किया है बहुत सारे स्वीट था, बहुत सारे, और पिज़्ज़ा के भी काफ़ी सारे ऑप्शन था, चिकन का अलग, इस तरह से उन लोगों ने काउंटर बना दिया था, वेज का अलग। इधर से आप खाना बिलिंग करा सकते हो और इन टाइम में जाके पैसा पे करके फिर बाहर जाके खा भी सकते हो, ये एक्चुअल रूल्स है। अंदर नहीं खाना है ठीक है, अंदर आप जब ये ले रहे हो ना आपको इधर पे पैसा पे नहीं करना होता है। तो ये देखो आ गए हम लोग हलवा वाले सेक्शन पे, बहुत सारे हलवा था, हम लोग अपना हलवा प्रेफर नहीं करते हैं तो हम लोग जो है ना मिठाई के सेक्शन में चले गए थे। और ये सब सलाद है अगेन, तो थोड़ा फर्स्ट टाइम गए थे ना तो थोड़ा सा हौच पौच हो रहा था कि कौन से साइड से क्या है, एक ही काउंटर में शायद बार बार भी आ रहे थे। काफ़ी सारा ऐसे मिठाई था जो बंगाली स्वीट्स काइंड ऑफ था, चौम चौम जैसा ऐसा, उसके बाद शौंदिस जैसा भी था जो ग्लॉकों को बहुत अच्छा लगा था आई थिंक। अच्छा ये था डोनट्स, और डोनट्स की बहुत वैरायटी था, तो आप देख सकते हो इधर पे मफिन्स भी है, इसका भी वैरायटी था, ब्लूबेरी मफिन्स शायद हमने लिया था। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपकी देखो प्राइस भी शेयर कर रही हूँ, जिसका जो प्राइस है आपको मैं दिखा रही हूँ, शायद मैं इन टाइम में जाके गलत बोला था, ये 60 रुपीज़ का मफिन्स था क्योंकि ये ब्लूबेरी मफिन्स था। इन लोगों का अलग से किचन है और बहुत वैरायटी ऑफ केक्स भी है, छोटे छोटे केक्स भी है और काफ़ी रिजनेबल है, नॉर्मल दुकानों से काफ़ी है। चीज़ केक था ये 40 रुपीज़ का ओनली था, कैप केक्स, तो ये पता नहीं क्या था, मैं देख रही थी और देखो ये अंदर पूरा खुला हुआ था, टूटा हुआ था, एक्चुअली लोगों ने खा लिया था देखो, तो खा के ऐसे उसको करके चले गए। तो कप केक्स था, मुझे इसमें से बहुत सारी चीज़ें लेना था पर ले नहीं पाई क्योंकि एक तो ख़त्म हो गया था, देखो तीन है एक्चुअली, इसमें चार रहना चाहिए, एक खा लिया है किसी ने, ये भी शायद चार ही रहना चाहिए, मैंने किसी का वीडियो देखा था पर इसमें भी दो है, तो ये सब चीज़ें मैं ले ही नहीं पाई। और ये देखो गाइस आधा खा के रख के चले गए, मतलब कितने गंदे लोग होते हैं यार। और इधर पे बहुत सारे विजया मतलब स्नैक्स की भरपूर ऑप्शंस थी और बहुत कम प्राइस में था। नाउ टाइम आ गया है कि एक फ्लोर हो गया, ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। इस फ्लोर में हम लोग ज़्यादा घूम ही नहीं पाए, इधर पे मतलब नॉर्मल से ग्रॉसरी जो चीज़ें होता है ना, चाल मतलब चावल दाल ऑयल मतलब ड्राई फ्रूट्स सारे सूखे मसाले चॉकलेट्स बिस्किट्स मतलब जो जो लगते हैं ग्रॉसरीज में उसका भरपूर वैरायटी था। देखते देखते पागल हो रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि पैर दुख रहे हैं, ग्लॉकू भी है ना साथ में, तो हमने सोचा कि चलो अभी बिलिंग्स में चलते हैं। इधर पे भी बहुत सारे स्नैक्स ऑप्शंस था, सो मैं ज़्यादा कुछ शॉपिंग कर ही नहीं पाई। जनरली मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो इतना इतना बैग फुल हो जाता है, स्पेशली ग्रॉसरी शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ लूलू मॉल में आके हमने कितना कम शॉपिंग किया आप
बाद में देखोगे, क्योंकि मैं एक्चुअली टोल लेने आई थी कि इधर पे क्या क्या कितने प्राइस में हैं। देखो मैं आपको साथ प्राइस शेयर कर रही हूँ। ये चिप्स वगैरह थोड़ा सा तो महंगी होती है, पर इधर पे काफ़ी कम प्राइस में दिखा, कुछ कुछ चीज़ें बहुत कम प्राइस में था। उसके बाद लोगों को भूख लग गई थी, मैं वॉशरूम गई थी हैंड वॉश करके आके उसको खिलाने के लिए। इतना गंदा था वॉशरूम गाइस, और मेरा फ्लोर टचिंग पैंट था पूरा पानी से भर गया था। मेरा तो इतना फीलिंग ख़राब हो रहा था ना, अनहाइजीनिक था। और वॉशरूम में हैंड सोप भी नहीं था, कोई कुछ लोग भी नहीं थे मतलब उधर पे सफाई करने के लिए, बस आप जाओ और ऐसे आ जाओ। और बहुत गंदा था, बहुत गंदा वॉशरूम था। सो मेक श्योर आपको वॉशरूम ना जाना पड़े। और इतना बड़ा मॉल है, इतना जगह है, इतना स्टोर्स है, आपको तो वॉशरूम जाना ही पड़ता है। पर बहुत गंदा वॉशरूम था, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं लेडीज़ की बात कर सकती हूँ, पर अनिमा ने बोला कि जेंट्स वाला उतना ख़राब नहीं था। तो इधर पे लोग पिक्चर उठा रहे थे और ब्लॉकों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सब लोग ऐसे चोर चकोर घुस गए हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं ऐसे चोरी करके खा रहे हैं, चलो मुझे छोड़ दो, मैं जाकर उनको डिशुम डिशुम करके आऊँगा, मुझे ट्रॉली में रहना ही नहीं है, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, मुझे नीचे जाना है, मुझे नीचे जाना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो पापा छोड़ो। और अनिर्बन भी लगे पड़े थे, नहीं ग्लॉकू तुम्हें बैठना है बैठना है। ग्लॉकू बोले नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना है, फिर तो बैठा हो गया ना, तो फिर चलो घूमो लो के मुझे। अच्छा इस मॉल में ना ओनली लुलु हाइपर मार्केट नहीं है, और भी कई स्टोर है, नाइका ये सब बहुत और नॉर्मल स्टोर्स भी है। पर आपको ऑनेस्टली अगर आप लुलु के प्लान करके जा रहे हो तो लुलु देखते देखते आपको इतना टाइम लग जाएगा, कहीं पे जाने का और टाइम नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग आई बहुत लेट करके, और देखो गाइस हमने कितना ज़्यादा शॉपिंग किया है। ग्लाहू के डाइपर बैग, मम्मी के बैग हाथ, और ग्लाहू को डाइपर फेंकने के लिए जो प्लास्टिक रहता है उसमें, ऐसे ना ट्रॉली लेके घूमना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो लिफ्ट से भी नहीं जा सकते थे, बहुत भीड़ था। इसीलिए अनिर्बन के पॉकेट में मैंने जिधर जिधर हम घुसा सकते थे उधर पे घुसा के और हाथों में लेके ऐसे बस निकलना था हमें उस टाइम पे। और पार्किंग में मैं बोलना चाहूँगी ये बहुत गलत है, देखो एक ही साइड से आप देखो कितने हम लोग ऊपर जा रहे हैं और लोग जो है ना वो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक ही साइड से बाइक जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, लोग ऊपर जा रहे हैं, पैदल नीचे भी आ रहा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। देखो सामने वो वाला वो देख भी नहीं रहा है गाड़ी आ रहा है, इस पोजीशन में गाड़ी को रोकना भी मुश्किल होता है क्योंकि आप ऊपर उठ रहे होते हो। तो ये चीज़ इधर का मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, सभी चीज़ें धीरे धीरे बेटर होता है ना, तो हमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ी दिन बाद जाना चाहिए लुलु मॉल। दिखाते हैं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, बहुत ही कम पर दिखाती हूँ। ओवरऑल अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे लगा कि ग्रॉसरी ये सब जो चीज़ें होता है ना सब्ज़ी वगैरह वो नॉर्मल जो मिलता है वैसा ही है, बहुत कम ऐसा नहीं है। पर हाँ आपको ह्यूज वैरायटी मिलने वाला है। इतना बड़ा वैरायटी कोई स्टोर का मुझे आज तक नहीं दिखा हैदराबाद में। सो मैं लेके आई थी, ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। वेट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस कुछ 199 पर केजी था, उधर पे बिरयानी भी केजी में था, मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत सारे जैम के ऑप्शन थे, 14 पर 100 ग्राम्स की मैं बात कर रही हूँ, 14-18 ऐसा। ये एप्रिकॉट जैम था, ये 170 था पर केजी, ये 38 रुपीज़ का है। ये एक मफिन्स है जो शायद ऐसी 35 रुपीस ऐसे में मिला, बहुत सॉफ्ट है, आज इतना सब तो हम नहीं खाएंगे। सो मैंने ये लिया था, ये एक्चुअली सभी जगह पे मिलता है। अच्छा चीज़ लिया था, काफ़ी कम प्राइस में था। ये कुछ भुजिया टाइप का लिया था, ये 40 रुपीस का है। ये 35 रुपीस का एक डोनट जैसा कुछ था, ये लिया था। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ लेने वाली थी जो टूटा वूटा भी था। लोग जाके इतने क्यों गंदे लोग हैं यार, आपको पैसा नहीं देना है, फ्री में बस खाना खाना है ना, पढ़े लिखे इंसान ही जाते हैं उधर, जाके आपको आपकी ये नेचर दिखानी है क्या? मतलब वीडियोस में आ रहा है कि आप चोरी छुपे खा रहे हो, सच में मतलब ये कल्चर है। सो ये वाला और लिया था, ये है कुछ चिकन सैलड, ये एकदम फ्रेश है, और ये इतना सा हमें लगा 109। एकदम ग्रिल्ड फ्रेश कलरफुल पेपर्स, चीज़ें काफ़ी फ्रेश है ये तो बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ चीज़ें अपग्रेड हो सकता है, एक तो सीटिंग, अगर एक दो बेंच भी लगा दे जैसे स्फार में है तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बच्चे जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है उनको खिलानी पड़ती है, तो ये चीज़ अपग्रेड होनी चाहिए, एटलीस्ट एक दो बेंच लगा ही सकते हैं।
और दूसरा जो है ना, उन लोगों का सिस्टम थोड़ा सा पेचीदा है, स्पेशली पार्किंग में मैंने देखा। जाने के टाइम पे तो पार्किंग का एंट्री गेट ही बंद था, एग्जिट से हम लोग जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं इतना भीड़, उधर से हम लोग गाड़ी लेके घुस रहे हैं, जो ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। थर्ड थिंग मुझे जो लगा कि उधर पे जो खाना हम खा रहे हैं ना, मतलब लाइव काउंटर है जहाँ से आप खाना खरीद सकते हो, उधर से ना आप बिल कराते हो, पर वो लास्ट में जाके आप पैसा देते हो, फिर जाके आप खाना खा सकते हो। और जो कुछ गंदे लोग जाते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उधर से ले रहे हैं खाना, परचेस कर रहे हैं, बिलिंग से पहले खाना खा के पैकेट फेंक के चले जा रहे हैं, लोगों की गंदगी रोकने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते ना, करते करते चलते चलते भूख लग जाता है, तो उनको खाना चाहिए होता है, तो खाने के लिए उधर पे काउंटर में, जैसे मेट्रो में है ना, उधर आप पैसा दो, काउंटर से खाना लो, खाओ, फेंक दो, उसको दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, उसका अलग सेपरेट सेक्शन करके देना चाहिए कि सभी चीज़ें लास्ट में ही बिल हो रहा है। तो लोगों को, जैसे हम लोगों को भूख लग रही थी पर खरीद के भी खा नहीं पा रहे थे, और खाने की क्वालिटी सच्ची में चिकन वगैरह बहुत फ्रेश था, ये तो मैं बोलूँगी। आपको कैसा लगा व्लॉग, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ बताना, मैं शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।